हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेरी वेल इन डूइंग ग्रेट सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड बाय मी लास्टली हमने ब्रेन किया था एंड इन द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ वही उसके अंदर इंक्लूडेड था आपको पता है जैसे कि बाकी सारा कुछ जो है वो डिलीट हो चुका है सो so, ब्रेन के बाद हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं आई ठीक है तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम आई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे कि किस तरीके से आपके लेवल पे जो चीज़ें हैं जैसे फंक्शन ऑफ आई स्ट्रक्चर ऑफ आई वर्किंग ऑफ लेंस एंड वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ़ द आई उस चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे आप प्लीज़ थोड़ा सा फोकस से पढ़िएगा क्योंकि आ, आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है ऑनलाइन क्लासेस में एज कंपेयर टू स्कूल क्लासेस सो लेट स्टार्ट नाउ हेयर इट इज़ चैप्टर इलेवन ऑफ योर बुक द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ओके मीन्स टू से मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि ह्यूमन आई के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं और दूसरा ये कि कलरफुल वर्ल्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं आइदर इधर भी ब्लैक वाइट अदर कलर्स वो सारी चीज़ें हम अपनी आई से देख पाते हैं किस तरीके से देख पाते हैं हमारी आँखें किस तरीके से इस पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर पाती हैं देख पाती हैं वो चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं here it is the introduction of the human eye and the colorful world you have studied in the previous chapter about refraction of light by lenses you also studied the nature position and relative size of the image formed by the lenses आपने इससे पहले वाले जो चैप्टर में पढ़ा था लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेंसेज uh, uh, में मिरर में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि लाइट किस तरीके से बेंट आउट होती है ठीक है बेंट होती है या फिर आगे जाकर वो कंप्लीट जो है रिफ्लेक्ट uh, होती है या रिफ्लेक्ट हो रही है ये सारी चीज़ें और फिर हमने पोजीशन भी पढ़ी थी साइज भी पढ़ा था नेचर भी पढ़ा था इमेज का कैसा बन रहा है लेंसेज से हाउ कैन दीज आइडियाज़ हेल्प इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई ये सारी चीजें हमें किस तरीके से हेल्प करती हैं ह्यूमन आई को पढ़ने में द ह्यूमन आई यूज लाइट एंड अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ह्यूमन आई जो है वो यूज होती है ओब्वियसली सॉरी यूज करती है लाइट को जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं उनको देखने के लिए ताकि हम उन्हें देख सकें इट हैज़ ए लेंस इन इट स्ट्रक्चर वट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई आपको पता है आई के अंदर एक लेंस प्रेजेंट होता है हर एक ह्यूमन आई के अंदर तो उसका फंक्शन क्या होता है हाउ डू द लेंस इज यूज इन द स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन और किस तरीके से जो लेंसेज हैं स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं कोई भी किसी की भी जो आई है उनके अंदर कोई डिफेक्ट है विजन में या कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो कैसे लेंसेज यूज होते हैं और क्यों होते हैं लेट अस कंसिडर दीज क्वेश्चन इन दैप्टर इन दिस चैप्टर इसी चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे यहाँ पे दो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ पहली बात तो ये कि पहले जो स्लाइड से आपकी जो वीडियोस हैं वो रेडी की जाती थी दैट इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मैथड बट इसके अंदर ये है कि आपको एक क्लियर uh, जो है पार्ट मिल रहा है कि हाँ हम एनसीआरटी से ही पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन क्योंकि आपको पता है इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है और दूसरा ये भी है कि स्टूडेंट्स uh, कंफ्यूज नहीं होते कि हमें लखमीर सिंह से पढ़ना है एन से पढ़ना है या प्रदीप से पढ़ना है कौन सी बुक से पढ़ना है सो दैट्स वाई आप लाइन टू लाइन एक एक चीज़ हम एन से करेंगे और एक कंप्लीट चैप्टर हम एनसीआर से करेंगे ठीक है दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो डिफेक्ट ऑफ विजन बताया गया है लाइक मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये सारी चीजें जो है वो डिलीट हो चुकी हैं तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे आप थोड़ा सा देख सकते हो उनके बारे में कि मायोपिया क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है अपनी नॉलेज के लिए ठीक है वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड properties पिछले चैप्टर में हमने लाइट के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में वी शैल यूज़ दीज आइडियाज़ टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन द नेचर हम जो ऑप्टिकल फिनोमिना है नेचर के अंदर वो पढ़ेंगे उसी चैप्टर का जो स्टडी है आइडिया है उसको यूज़ करके

आफ्टर दैट द ह्यूमन आई इलेवन पॉइंट वन दैट इज क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके स्टार्ट हो रहे हैं द ह्यूमन आई इज दन ऑफ द मोस्ट वेल्यूबल एंड सेंसिटिवियसलीट ये ह्यूमन आई जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल और सेंसिटिव ऑर्गन होता है सेंसिटिव सेंस ऑर्गन क्यों होता है क्योंकि देखो कोई भी अगर छोटी से छोटी या फिर कोई भी हल्की सी चीज़ या फिर कोई भी धूल मिट्टी अगर आपकी आंखों में चली जाती है आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मीन्स आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और पेन होना स्टार्ट हो जाएगा आँखों में मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जो जिसको हम कहते हैं वो ऑर्गन है ह्यूमन आई इट अनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर अराउंड अस ये जो इतनी खूबसूरत दुनिया है इस कंप्लीट वर्ल्ड को देख सकते हैं हम आ, हमारी आईज से ही एंड कलर्स अराउंड अस और जितने भी जो कलर्स हैं जो रंग हैं हमारे आस पास प्रेजेंट हैं ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटिंक्ट बाई देयर स्मेल अगर आ, आ, हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी स्मेल से टेस्ट से साउंड से और टच से भी ठीक है तो ये अगर हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे जो बाकी सेंस ऑर्गन हैं उनसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं It is, however, impossible to identify आइडेंटिफाई while closing the eyes. आईज लेकिन uh, अगर हम आंखें बंद करते हैं आप किसी भी चीज़ को टच करके बता सकते हो कि हाँ uh, आप आइडिया लगा सकते हो कि ये वो चीज़ हो सकती है राइट right. लेकिन क्या आप टच करके उसका कलर बता सकते हो ना ही उसे स्मेल करके है ना तो बिना देखे हम उनके कलर्स जो है वो नहीं बता सकते थल द सेंस ऑर्गन द्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन

Thank you so much.